झाबुआ जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ जैसे हालातों के बीच में विद्युत आपूर्ति करने के लिए पानी में डूबे विद्युत खंभों पर चढ़कर विद्युत फल सुधारने की तस्वीरें सामने आई थी, जिनकी लोगों द्वारा यहां तक कि ऊर्जा मंत्री द्वारा भी सराहना की गई थी। इसी कड़ी में गैसाबाद विद्युत उपकेंद्र पदस्थ युवा ऑपरेटर सौरभ व्यास के करंट से दर्दनाक मौत हो जाने का दुखद घटनाक्रम सामने आया है। 24 वर्षीय मड़ियादो निवासी युवा ऑपरेटर सौरभ आउटसोर्स कंपनी का कर्मचारी था, जिसके द्वारा गैसाबाद विद्युत उपकेंद्र में पदस्थ रहते हुए लगातार बारिश के बावजूद सेवाएं दी जा रही थी। वहीं बताया जा रहा है कि विद्युत उपकेंद्र परिसर में चारों तरफ बारिश का पानी भर गया था, लेकिन विद्युत कंपनी के द्वारा ऑपरेटर सौरभ सहित अन्य कर्मचारियों के लिए हाथों में पहनने के लिए दस्ताने से लेकर पैरों में पहनने के लिए विद्युत रूद जूते आदि भी प्रदाय नहीं किए गए थे। ऐसे सब हालातों के बावजूद कार्यरत रहकर लोगों के घरों में उजाला फैलाने वाले इस युवा ऑपरेटर के घर में कब अंधेरा छा गया, इसका पता परिजनों को तब लगा जब उसकी मौत की खबर घर पहुंची। बताया जा रहा कि मंगलवार सुबह करीब 9 बजे करंट लगने के बाद में ऑपरेटर सौरभ को 100 डायल की मदद से हटा अस्पताल भेजा गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत के बाद लोगों में जहां दुख के साथ आक्रोश का माहौल बना हुआ है, वही हादसे के लिए विद्युत विभाग की आउटसोर्स कंपनी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिनके द्वारा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई।